मोहम्मद पैगंबर साहबा दुनिया में आए ना कुछ कमाने के लिए, जैसे हम बंगले बनाने के लिए दुबई चले जाते हैं, सऊदी अरब चले जाते हैं, और ये महफिलें जो हम सजाते हैं ना, ये ईमान की ट्यूनिंग होती है। क्या होता है? ट्यूनिंग होती है। और सहाबा के बगैर जन्नत नहीं मिलती, सहाबा के बगैर जन्नत नहीं। और नबी के 144,000 दीवाने हैं, अगर इनमें से किसी एक का इनकार किया ना, कि जन्नत के साथ दूसरा मोहल्ला भी है, अल्लाह उससे हम सबको बचाए। लेकिन फिर ये तो मुसलमान है ना, सहाबा को सलाम पेश करते हैं सारे, माशाल्लाह आप ही करते हैं ना, माशाल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह। शेर सवाब फरमाए, जब मैंने ये शेर पढ़ा तो मेरे कारदाना फरूकी साहब ने इनाम दिया, वो इनाम क्या था मैं आप हजरात के सामने रखना चाहता हूँ। आपसे इनाम सिर्फ सुभान अल्लाह लूंगा, अर्ज करो बयाश को ज्यादा करते हो, कलाम कम पढ़ते हो, क्या करें? मेरे सामने बहुत सारे अकाबर हैं और उन लोगों ने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं जो बताना मजबूर हो जाता इंसान। अभी आपने हाल ही में देखा है, कल इतना बड़ा बहुत बड़ा जनाजा, पता है किसी ने? किसी को पता है? अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी का रहमतुल्लाह अलैह, मैंने उनका आखिरी ये बयान अभी हाल वाला जो इस्लामाबाद में उन्होंने बयान किया है, आका के दिफा के लिए वो इंसान तड़प रहे, उसके चेहरे को देखे वो क्या कहता है, ऐसे हाथ मार रहे, ऐसे हाथ मारे, बीमारी के आलम है, जिन्हें दिमाग भी नहीं होता कोई मजनू, ऐसे वो बोलता है। भाई देखो, हम नबी की इज्जत के लिए जब इंसान मरता है ना, तो दुनिया वाले भी फिर हैरान हो जाते हैं कि क्या इसके जनाजे पे इतने बंदे कहां से आ गए। पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जनाजा उठाया गया है, तो मोहब्बत से कह दरा, आप ही इसी तड़प के लिए कहें सुभान अल्लाह, ताकि मेरी और आपकी कब्र भी रोशन हो जाए। आज को कहना चाहता हूं भाई, कल्ब में इश्क़े सहाबा से उजाला हो